मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? बड़ा के बोलिए, बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है कि बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? खेला करते हो, खेला, अरे झूठा, बेईमानी करते हो। मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे? यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पर लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है? रे झूठा, देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, ये 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे। यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं? बोलिए सोच करके, यहां वोट चाहिए वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहां वोट नहीं चाहिए? नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, और यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद, तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के भीतर जो सच्चाई है वो हकीकत हमको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है, बताइए। पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या नारा लगाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे? 9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूं, 9 साल देश बेहाल, पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है? यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। और आपने कहा था ना कि किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, किसानों को 1 साल तक इस दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के आंदोलन करना पड़ा था, सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये जिसका जिसका नाम लेते हैं ना उसके उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल, यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना, तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, अग्नि बनेगा 4 साल के लिए, बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? है ना,
तो आप जींद के लोग हैं ना। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।